तो हेलो गाइस, बीएसएससी इंटर लेवल रिजल्ट है वो कब घोषित होगा, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि बीएसएससी इंटर लेवल का जो रिजल्ट है अभी बहुत बड़ा, मतलब अब बहुत बड़ी एक न्यूज आ गई है, ठीक है, उसको लेकर मैं बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार चल रहा है। तो बीएसएससी इंटर लेवल रिजल्ट अभी अंतिम कगार पर चल रहा है, क्या कर रहा है, अंतिम कगार पर चल रहा है, यानी रिलीज होने ही जा रहा है, लेकिन थोड़ा वापस रिटर्न आ रहा है। तो बस आपका रिजल्ट कब घोषित होगा इसके बारे में अपडेट इस वीडियो में बताने वाला हूँ कंप्लीट। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं लाइव में आकर आपका रिजल्ट आपके साथ रिजल्ट चेक करूँगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपडेट की ओर बिना किसी देर के। यहाँ पर आप एक न्यूज़ पढ़ सकते हैं, 6 साल में भी तय नहीं हो सका 18.5 लाख छात्रों का भविष्य, यानी बीएसएससी का परिणाम के रिजल्ट को लेकर ही एक बहुत बड़ा जो अपडेट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजल्ट नहीं पर बदल गए अध्यक्ष सचिव, अभी रिजल्ट नहीं आया है लेकिन उसके जो सचिव वो बदल गए हैं। बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम रिजल्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो उसका पूरा आंसर ये है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम रिजल्ट 2019 को ढूंढने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जा रहे हैं तो आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वेबसाइट आपको सबसे पहले रिजल्ट का अपडेट आप तक पहुँचाएंगी। हमारी वेबसाइट हर न्यूज़ पर नज़र रखे हुए, ताकि इस वेबसाइट को रीडर्स को सबसे पहले बीएसएससी इंटर लेवल रिजल्ट 2019 के बारे में जानकारी प्राप्त हो। हमारी कोशिश हमेशा यही रही है कि आप लोगों को सही सही सटीक सूचना उपलब्ध कराए। रिजल्ट के बारे में सबसे रिसेट न्यूज जो मिल चुका है, इस पेपर कट में दिया गया है, छात्र ये उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट जल्द आने वाली है। अब देखो, रिजल्ट नवंबर में ही आएगी, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक में नहीं आएगी, नवंबर के सेकेंड वीक में रिजल्ट है वो घोषित की जाएगी, क्योंकि नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी नहीं की जा सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा जो काम है वो चल रहा है रिजल्ट को लेकर, ठीक है। अब रिजल्ट जो है बीएसएससी इंटर लेवल जो रिजल्ट है वो नवंबर के सेकेंड वीक में ही घोषित होगी। अभी इसकी कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होती तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो ये अपडेट अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस जरूर कीजिएगा, और यदि आपके किसी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन में डाउट है तो ये एड्स आपको संपूर्ण जरूर देखना है। तो हेलो दोस्तों, यदि आपके किसी भी मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस में है डाउट, तो आपको इसके डाउटेड के व्हाट्सएप नंबर पर जाना है, और यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चंस की एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लेनी है, और यहाँ पर आप जिसे क्लिक करना है, जैसे मैं कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ, ये जो मैंने फ़ोटो ले ली, और आपको इसका कैमरा फ़ोटो निकाल के आपको सेंड कर लेना है। आपको तुरंत ही इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन भेज दिया, तो यहाँ पर कुछ ही 10 सेकेंड में जो है आपका आंसर आपके पास होगा, चाहे मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न इसका जो आंसर है मुझे मिल गया है। तो यदि आपको ऐसी एप्लीकेशन ये डाउटनेट के व्हाट्सअप नंबर अच्छे लगे तो बस आपको ये यूज़ ज़रूर कीजिए मैथ्स के क्वेश्चन या फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन में। और इसके ऐप के माध्यम से भी आप फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हैं और पा सकते हैं। बहुत अच्छे वर्णित आंसर यहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा। ये पूरा जो ऐप है इसका, जिसका नाम है डाउटनट ऐप, इसकी पूरी जानकारी की लिंक टोटल मुझे जो जानकारी आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आपको, जो डाउटनट के व्हाट्सअप नंबर आपको टोटल जो जानकारी है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स के क्वेश्चन जो हेल्प कर सकते हैं, और जेईई मेंस की भी तैयारी कर रही है तो आप इस डाउटनट ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और टोटल आपको जो आईआईटी की जो मैथ्स एंड क्वेश्चन है यहाँ से आप जो है पिकअप कर सकते हैं। तो बस ये जानकारी आपको ये जरूर डाउनलोड करना चाहिए। तो जय हिंद।